करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पॉसिबल न्यूज़ एंड मीडिया। मैं आपके साथ सलोनी सरी। बीते 7 सितंबर की रात कौन भूल सकता है, जब देश अपना इतिहास रचते रचते रह गया। इसरो के सबसे खास मिशन यानी चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर का संपर्क इसरो से तब टूटा जब वह चांद की सतह से चंद मिनटों की दूरी पर था। आपको बता दें, चंद्रमा पर लैंडिंग के दौरान विक्रम लैंडर चांद की सतह से केवल 2.1 किलोमीटर की दूरी पर था जिस टाइम उसका इसरो से संपर्क टूट गया। इसके बाद इसरो ने बताया कि चांद पर हार्ड लैंडिंग के बाद भी विक्रम लैंडर में कोई टूट फूट नहीं हुई है और विक्रम लैंडर से संपर्क साधने की कोशिश की। 4 दिन हो गए हैं चांद पर विक्रम लैंडर को उतरे हुए। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिक लगातार उससे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। विक्रम लैंडर से संपर्क होगा या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इसरो वैज्ञानिक और खुद इसरो चेयरमैन डॉक्टर के सिवान भी इस बात का दावा कर चुके हैं कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चांद के चारों तरफ 7 साल से ज्यादा समय तक चक्कर लगा सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह दावा किस आधार पर किया गया है? आइए मैं आपको बता। ये आधार है ऑर्बिटर का ईंधन, जो लॉन्च के समय करीब 1697 किलो का था। अभी ऑर्बिटर में करीब 500 किलो ईंधन है, जो उसे 7 साल से ज्यादा समय तक काम करने की क्षमता प्रदान करता है। लेकिन ये अंतरिक्ष के वातावरण पर भी निर्भर करता है कि वह कितने साल तक काम करेगा। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि चंद्रयान 2 के विक्रम के अंदर रखा प्रज्ञान रोवर मिल गया है। साथ ही प्रज्ञान रोवर की बैटरी एक्टिव होने का दावा भी किया जा रहा है। चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में प्रज्ञान रोवर है। इसरो ने कहा था कि प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर जाकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां देगा। अब देखना यह होगा कि प्रज्ञान हमें चंद्रमा की कितनी और कैसी महत्वपूर्ण जानकारियां देता है। तो आपको क्या लगता है चंद्रयान 2 के मिशन के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पोस्टफुल के फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे पोस्टफुल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।